हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स। तो गाइस, अभी जा रहे हैं हम लोग सेक्टर 4। इसका जो शौक है ना, बड़ा निराला है। एक नेम प्लेट बनवाना है घर के आगे कि इस घर में कोई चूहा बिल्ली नहीं रहता है, यहाँ पे रहता है पुनीता एंड आशीष, है ना। जिसको देखो सब बोलते हैं यहाँ पे चूहा बिल्ली रहता है, जो हमसे लड़ते रहता है, जिसमें से पता नहीं चूहा कौन है बिल्ली कौन है। आप चूहा हैं। तो अभी जो है ये अयोध्या का प्रसाद, जो कल आपने ब्लॉग में देखा होगा ये आया था, तो ये अभी एक पुड़िया जो है ये जाएगा मेरे ससुराल यानी कि इसकी मम्मी के पास, और एक पुड़िया जाएगा इसके ससुराल यानी मेरे मम्मी के पास। तो अयोध्या सा बिल्कुल प्रसाद था, करीब 1.5 चम्मच के बराबर। तो हम लोग घर में 2-2, 3-3 दाना खाए, और थोड़ा सा मैं सुबह अपने घर जो आती है काम करने की उनको दिए, 2-3 दाना उनको दिए, और थोड़ा सा उनके घर के लिए भी दे दिए थे। और मैं रखी थी कि थोड़ा सा अपने वहाँ मायके और ससुराल में भी थोड़ा थोड़ा दे देंगे। अब देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है प्रसाद, अगर वहाँ के नाम से अगर मुझे कोई दिया है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे फैमिली में सब कुछ खाए। बिल्कुल, सबको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिले। सबको तो मैं नहीं खा सकती हूँ क्योंकि बहुत दूर बाहर रहते हैं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक तो मैं दे ही सकती हूँ। बस अभी लेके जा रही हूँ। और तो नेम प्लेट बनवाना है यहाँ पे, और डिजाइन देखना है कैसा है। पता नहीं यहाँ पे बुकारो में इतना सारा डिजाइन मिलेगा। तो ये है मेरा नया चश्मा। ए बाप रे बाप, नया चश्मा कौन सा ब्रांड का है? बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं, हम लोग गरीब आदमी कहाँ अटक कर दे पाएंगे। पकड़िए। तो फ्रेंड्स, एक और मैं आपको क्या कहते हैं, वो कहाँ है चाबी? चाबी छुपा रखते हैं, किरण में डाल दिए, मछली पेट में डाल लेगा आपने। तो अभी हो सके तो मैं जा रही हूँ, एक सरप्राइज आप लोगों को दूंगी, तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिए क्या सरप्राइज होता है। तो चलिए, तो ये देखिए, ये मतलब होता है ना, घर में से एक इंसान नाश्ता नहीं खाना खा रहा है, उस हिसाब से समोसा, 4 समोसा लेकर आया है। इनको मैं बोली, तनिषा बोली कि मैं नहीं खाऊंगी, तो भी 4 समोसा लेकर आया है। और ये लेकर आए हैं लौंग लता। तो अभी मैं कान्हा जी को पहले भोग लगा दी हूँ। ये मैडम को खाना था मोमोज, कल बहुत दिनों के बाद आया है मोमोज। अब मैं देखी क्वांटिटी तो मैं बोली कि हद है यार, आप लोग 7:30 बजे अगर इतना हैवी खाइएगा तो खाना हम क्यों बनाए घर में, है तनु डूक जाओ। तो यहाँ कान्हा जी को मैं भोग लगा दी थी लौंग लता। तुम्हारा वहां पर तुम मोमोज निकाल के रखी हो, तुम क्या कर रही हो इधर? और उसमें मेयोनीज तो है नहीं, फिर कैसे खाओगी? घर का मेयोनीज उतना खा पाओगी तुम? मोमोज एक प्लेट ले लियो, हम लोग तो वो खा रहे हैं। तो हद है ये लोग, एकदम हद है। तो गाइस, आपको मैं बताऊंगी अभी कि मैं कुछ ली हूँ अपने लिए, वो क्या ली हूँ मैं अभी रिवील करूंगी, है ना। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जब से आया पागल हो गई है ये। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं क्या ली हूँ। तो ये मैडम के हाथ में उसका आईफोन और ये वन प्लस का फोन। तो आप दो दो फोन रखे कीजिए क्या जी? इसे मैं वीडियो बनाऊंगी, आईसमू बनाइए। अभी तक मैं जो सिम यूज करती हूँ, जो फोन मतलब जो जिस नंबर से मेरे पास फोन आता है, व्हाट्सएप है, जो भी है, वो सब इसी में, मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। इसको बस मैं ली हूँ वीडियो के लिए, कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, तो उसके लिए ये फोन लिए हैं। इसलिए इसको कॉलिंग वॉलिंग के लिए मैं यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत रफ यूज करती हूँ फोन, किचन में काम कर रहे हैं, हाँ कितनी बार गिर भी जाता है, तो ये गिरेगा तो बाप रे जान निकलेगा। तो अब जो है आईफोन होगा मेरा 15 प्रो, है ना, 13 तो ये है जिसे वीडियो बन रहा है। हाँ, तो 13 आपका है, ये मेरा है। चलिए ठीक, हम कभी बोले हैं कि वो मेरा फोन है? नहीं, तो हम तो बोलेंगे वो मेरा है, तब जस्ट करेंगे नहीं, क्यों करिएगा? जब आप मेरे हैं तो फोन भी तो मेरा हुआ। ये जैसे बोल रहे हैं कि ले लो ना ब्लैक कलर, अरे ये ठीक है ये ले लो, हम बोले हद है, पैसा जब दे रहे हैं तो अपने पसंद का लेंगे ना, मुझे ये कलर पसंद है। और 15 का जो पिंक कलर था, पिंक टाइटेनियम क्या नाम है उसका, टाइटेनियम नहीं आता है वो, पिंक कलर में मतलब प्रो में टाइटेनियम आता है, तो वो कलर ये बोल रहे कि ले लो, हम बोले कि नहीं मतलब पिंक वो कलर मुझे बहुत अच्छा, 15 में बहुत सारा कलर ऑप्शन बहुत अच्छा अच्छा था, बहुत प्यारा प्यारा कलर, लेकिन लेना था 3 कैमरा वाला। और इसमें बोल रहे हैं कि ये एक कौन सा कलर, इसमें तो दिखता नहीं रहा है, इसमें है इसके बुक में कुछ कलर? नहीं जी नहीं,
एक ग्रे एक अलग ही टाइप का, आई थिंक नहीं वो अलग ही कलर। अरे टाइटेनियम ओरिजिनल वाला जो टाइटेनियम का कलर है, प्योर टाइटेनियम जो वहाँ रिलायंस सिस्टम देखे थे वो बोल रहे ले लो। हम बोले हम नहीं लेंगे, वो भी तो बोल रहे नहीं उसको देखते हैं और जगह। हम बोले हम लेंगे ही नहीं, जो कलर हमको चाहिए वो भले वेट करेंगे। सही में वेट भी मैं की एक बार और हम लोग गए थे देखने के लिए तो नहीं लिए। फाइनली आज मैं बोली कि चलिए जाके देखते हैं उसके पास है कि नहीं, तो ये कलर मुझे मिल गया लकली, तो मैं ले ली। 256 GB का है ना, 256 GB वाली है, क्योंकि ये बोले कि 128 तो ले लो। फिर हम बोले कि आपका कितना है, तो ये बोले 128। हम बोले यार आप वीडियो बनाते हैं फोटो बनाते हैं तो डिलीट करते रहते हैं, हर इनके मोबाइल से कभी कभी मिस भी हो जाता है वीडियो कुछ कुछ। हम बोले हमको वो नहीं चाहिए, और मेरा ये फोन में भी 256 GB का है तो इसमें बहुत सारा फोटो है, 5-6 हजार 7 हजार फोटो मेरे फोन में पड़ा हुआ है, वीडियो भी बहुत सारा। हम बोले ना हमको लेना है तो 256 ही लेंगे, क्योंकि हमको वो नहीं करना है कि आज फोटो ले और कल डिलीट करे। तो फिर ये फोन ली हूँ, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है ये कलर और बहुत सारा बधाई। काम लग रही है, काम लग रही है। तो क्या एक्चुअली वहां का मैं ना वीडियो वगैरह बना नहीं पाई, हम लोग गए लिए तो वहां का मैं नहीं बना पाई। हम लोगों को लग रहा था पता नहीं फाइनेंस पे लिया है ना हमने, तो पता नहीं होगा नहीं होगा, इसलिए हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। मतलब ये लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया। लेकिन जब फाइनली जब ले लिए तो फिर एक छोटा सा रील जैसे बनाए थे, लेकिन घर आने के बाद सोचे चलिए बनाएंगे, क्योंकि लेट हो रहा था, तनु भी स्कूल से आने वाली थी, इसलिए फिर जल्दीबाजी में आए और अब जो है रिवील कर दिए यहाँ पे कि ले लिए। अभी अभी लाइव खत्म हुआ है तो उसमें ना एक क्वेश्चन आया था, कौन सा? तो फ्रेंड्स अभी हम लोग लाइव सेशन अपना किए हैं, जस्ट अभी लाइव सेशन कंप्लीट हुआ है और अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ ही रहे थे, तो तनीषा एक क्वेश्चन पढ़ी कि तन्नू बेटा आपको बड़ी होके क्या बनना है। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछे थे उनको ये आंसर है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो इसे डॉक्टर बनना है, और अभी मैं आईफोन से ही वीडियो बना रही हूँ, तो जो फोन मैंने लिया है उसी से ये वीडियो बन रहा है। तो आप लोग बताइए कि कैसी क्वालिटी है इस आईफोन की, हालांकि बहुत अच्छी है, अच्छी लगी मुझे भी। और तुम जाके पढ़ाई करो, चले जाओ, कर तो लिया नहीं, चलो जाओ अपना कंप्लीट करो जो भी है होमवर्क। आउच। और ये देखिए इधर आपको, मतलब जैसे एक कोई लाइव में पूछा कि मतलब नया जो आईफोन है उसमें क्या मॉडिफाई हुआ है, तो आपको नहीं पता चला क्या मॉडिफाई हुआ है? ये आईफोन तो आईफोन है, क्या मॉडिफिकेशन होगा इसमें, सब ठीक है, सब निक बा। इनका से पूछे कि कोई मतलब है ना बा। और देखिए हम तो, मैं तो पहले मतलब फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ आईफोन, तो मुझे नहीं पता कि पहले क्या फीचर्स थे और क्या चेंज हुआ, ये मुझे नहीं पता। ये वही बता सकता है जो रेगुलर यूज करता है आईफोन, तो ये तो कुछ बता ही नहीं। कैमरा इसमें इम्प्रूव्ड है, इसका लाइट काफी अच्छे हैं, इसमें बॉडी टाइटेनियम का यूज किया गया है, प्रोसेसर इसमें अच्छा है, बस और क्या, प्रोसेसर सी टाइप चार्जिंग इसमें दिया गया है। मेन ये है कि सी टाइप चार्जिंग चार्जर है, चार्जर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी। एप्पल का चार्जर है, आईफोन का चार्जर है, कोई भी सी टाइप मिले फेड़ दो, क्या यूज फोन में पागल, हमको ही पता है फोन में वर्ड यूज की मतलब चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है। हाँ तो मैं बता रही थी ना उस टाइम, मैं लाइव में भी बता रही थी कि आज ऐसा हो गया था, हम लोग साथ ये लेकर आए थे समोसा और लौंग लता, तो वो जो लौंग लता था ना वो मतलब इनके अंदर एक कमी ये है ना कि ये कुछ भी चीज, देखिए मेरा तो ये है कि चलो जो भी सामान हम लेकर आ रहे हैं अगर वो डिफेक्टिव है कुछ खराब है तो वो उस शॉप पर जाओ और उसको बोलो, क्योंकि आप पैसा दिए हो किसी भी चीज का तो वो आप बताइएगा ना कम से कम। तो ये हमेशा मुझे चुप कराते हैं कि चुप रहो शांत रहो, रहने दो जो है ऐसे, कितनी बार ऐसा हुआ है, मैं बोली कि नहीं आज तो मैं जाके ही रहूंगी। तो ये लेकर आए थे नीचे कोजी स्वीट्स करके, बहुत बड़ा दुकान खुला है स्वीट्स का और बहुत नामी दुकान है बोकारो का, तो वही मैं बोली कि मैं आती हूँ चेंज करके, क्योंकि इतना महंगा महंगा मिठाई है और उसको पता भी तो होना चाहिए कैसा है क्या है। तो मैं फिर बोले चलो हम भी चल रहे हैं, समोसा हम लोग खा लिए, फिर मिठाई जाके दिखाने का, बस उसमें खोवा था ही नहीं, जो खोवा होता है ना लौंग लता में चाहे गुजिया में, था ही नहीं, ना के बराबर, इतना थोड़ा सा होगा, और उसमें मीठा था ही नहीं वो खोवा, मतलब उसमें चीनी वो डालना भूल गया होगा या जो भी होगा। तो फिर मैं बोली चलना चले तो हम जा रहे हैं, तो मैं जो स्लिप था उसको लेके मैं गई,
तो ये भी गए, बोले चलो हम भी चलते हैं साथ में, लेकिन पहले वार्निंग दे दी कि वहाँ हल्ला मत करना क्योंकि ये जानते हैं कि मैं चिल्लाती बहुत हूँ। तो हम बोले हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, आप ही बोलिएगा। तो ये खुद ही बात किए कि देखिए ऐसे 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 जो भी था। तो फिर वो भी देखा तो उसको भी आश्चर्य लगा जो काउंटर पे बैठा था। वो बोला भी स्टाफ को कि कैसे बना रहा है, कैसे सामान आ रहा है इस तरीके से। हम बोले कि देखिए कितनी बार ऐसा हुआ है, मतलब लास्ट टाइम भी दो बार मुझे लग रहा है कि हम लोग वहाँ से वो गिफ्ट पैक जो होता है मिठाई का उसको पैक करवाए थे जिसमें लौंग लता भी डलवाए थे। अगर वो वैसा ही टेस्ट, लेकिन उस टाइम का शायद ठीक होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वही मैं बोली कि चलो घर लेकर आए तो समझ में आया कि जो कमी थी मैं बता दी। अगर हम किसी को गिफ्ट कर, मतलब किसी घर जा रहे हैं मिठाई लेके, तो वो क्या सोचेगा कि कहाँ से उठा के लाया, कितना बेकार सा है। तो बोला कि नहीं ठीक है। तो फिर उसके बाद उसकी जगह पर वो गुजिया दिया, तो गुजिया बहुत ही फ्रेश। इनको मैं बोली कोई भी मिठाई ना देख के समझ में आ जाता है कि वो फ्रेश है कि नहीं। इसको देखिए, इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बिल्कुल फ्रेश है, और वो ऊपर से देखने में ही पूरा ड्राई टाइप का लग रहा था। तो फिर वही गए, तो जितने का था वो मिठाई उतने का वो गुजिया दे दिया। तो फिर लेकर आए हम लोग, खाए, अच्छा लगा। तो आईफोन की खुशी में गुजिया खाए हैं हम लोग आज। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।